सफ़ेद बालों को बिना मेहंदी बिना इंडिगो के कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हेयर मास्क है जो कि हिना और इंडिगो के बिना बनाया गया है आपके सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको डेमो शेयर करूंगी किस तरह से इसको बनाना है, अप्लाई करना है और साथ ही साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं आपको लिव इन कंडीशनर भी दिखाऊंगी, बताऊंगी किस तरह से बनाना है और साथ ही साथ लिव इन हेयर सीरम भी शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको शेयर करूंगी तीन रेमेडीज़ जिसमें कि हम तीनों की तीनों होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे एंड देन जो भी हेयर डाई आप लगाते हो उसके बाद हमारे बाल जो ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं उसके क्योर किस तरह से करना है और जो हमारा हेयर कलर आया है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई भी हेयर कलर आप लगाते हो चाहे वो बाज़ार का हो या घर का हो, होम रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं और होम रेमेडीज़ मीन्स सफ़ेद बालों के लिए सबसे ज़्यादा हर्ब जो यूज़ होती है वो होती है आंवला। आंवला पाउडर जो होता है वो आपके बालों को ड्राई करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट तो देता ही है बट ये साथ ही साथ आपके बालों को ड्राई करता है। सो इस ड्राइनेस को कम करने के लिए हम घर पे बना हुआ हेयर कंडीशनर और हेयर सीरम यूज़ करेंगे ताकि हमारे बालों पे जो कलर आया है वो उतरे नहीं बल्कि डार्क हो, आपके बालों में जान रहे, सिल्की स्मूथ रहे, साथ ही साथ आपके बाल अच्छे रहें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शैम्पू के बाद आपने जो भी लिव इन कंडीशनर यूज़ करना है चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो लिव इन कंडीशनर बनाने के लिए आपने लेना है एक बाउल, एक बाउल में आपने डालना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है कि किस तरह से कौन से एलोवेरा जेल्स प्योर हैं, आप उसमें से ट्राई कर सकते हैं कोई भी जो भी आपको सूटेबल कर रहता हो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एलोवेरा जेल्स को बताया था, लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल लेना है, उसके बाद आपने लेना है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल, अलसी का जेल जो होता है आपके बालों के लिए वरदान है। आप एलोवेरा जेल और फ्लैक्सीड जेल इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनको आपने मिक्स करना है 50-50 लेके करना है आपने, 50% ये और 50% ये। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एक दो बूंदे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक डब्बी में भर के रख लीजिए। ये आपका हेयर कंडीशनर, लिव इन हेयर कंडीशनर तैयार है। आपने क्या करना है, आपने जब शैम्पू कर लिया है उसके बाद आपके बाल गीले हैं और आपके बालों को एयर ड्राई करना है। जब आपके बाल हल्के से गीले रहते हैं तब आपने इसको अपने हाथों में लेना है, मसलना है और आप इस अपने बालों में लगा सकते हो। मार्केट का जो हेयर कंडीशनर यूज़ करते हो उसको आप स्कैल्प पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। ये हमारा नेचुरल है, ये हम स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं और अपने बालों पे, बालों की लेंथ पे भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको लगाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और फिर अपने बालों को कॉम करेंगे तो आप फ़र्क नज़र आएगा आपको कि अगर आप बिना कंडीशनर के कंघी करते हैं और कंडीशनर लगा के कंघी करते हैं तो आपके बाल बहुत कम झड़ते हैं। तो इस तरह से आप इस लिव इन कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको स्कैल्प पे, बालों पे अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको कॉम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर बिना इसको लगाए आप शैम्पू के बाद कंघी करते हैं और इसको लगाने के बाद कंघी करते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में मीन्स इसको लगाने के बाद कंघी करने से आपके बाल जो हैं वो गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और जल्दी से सुलझ जाते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, हेयर सीरम। हेयर सीरम हम तब लगाते हैं जब हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रिजी लगने लगते हैं या कभी कभी हमें लगता है कि हमें बालों को धोना नहीं है बट थोड़ा सा उसमें शाइन सी आ जाए और हमें हमारे बालों को न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए आपने लेना है एक बाउल, एक बाउल में आपने डालना है रोज़ वाटर। तो हमने यहाँ पे गुलाब जल डाला है, कोई भी गुलाब जल आप ले सकते हो। उसके अंदर हमने डाला है एलोवेरा जेल एंड देन मैंने डाला है ग्लिसरीन। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं आपके बालों के लिए और आपके बालों को मॉइस्चर देती हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने एसेंशियल ऑयल ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बॉटल में भर लीजिए। भरने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो 2-3 महीने के लिए। अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो आपका जो स्टोरेज टाइम है वो 10 दिन रह जाता है और अगर आप रेडीमेड वाला यूज़ करते हैं तो आप इसका स्टोरेज टाइम जो है वो बढ़ जाता है, 3-4 महीने तक आप रख सकते हो।
इस तरह से स्प्रे बॉटल में आप डालेंगे और उसके बाद आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने शैम्पू के बाद ही यूज़ करना है, शैम्पू के बाद यूज़ कर सकते हैं बट आप इसको शैम्पू के एक दो दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी एसेंशियल ऑयल डालना है। एसेंशियल ऑयल जो होता है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके बॉटल में डाल लीजिए, स्प्रे बॉटल में, और जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शैम्पू के बाद ही इसको यूज़ करना है, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक शैम्पू के एक दो दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगे कि आपके बालों में जान नहीं है, आपके बालों को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें मैंने एक चीज़ और डाली है, वो है ग्लिसरीन। सो यहाँ पे ग्लिसरीन जो मैंने डाला है वो आपके बालों को डीपली पेनिट्रेट करके मॉइस्चर देता है और आपके बालों में शाइन देता है। तो आप ग्लिसरीन भी ऐड करना ना भूलिए और इसको अच्छे से मिक्स करके आप पैक करके रख सकते हैं, और ये भी आपका 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो इसे आपने स्प्रे करना है अपने बालों पे और इसको अप्लाई करना है और ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, आपके बालों में जान आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा हेयर सिरप घर का बना हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई आप हेयर कलर लगाते हो, कोई भी हेयर डाई लगाते हो, चाहे वो नेचुरल हेयर डाई है या फिर कोई भी मार्केट की बनी हुई हेयर डाई है, तो जो रेमेडीज़ होती हैं उसमें हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स। आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो तासीर होती है, लाइक इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट जो सफ़ेद बालों को काला करने की जो मेन हर्ब होती है हमारी, वो होती है आंवला पाउडर। तो यहाँ पे आंवला पाउडर जो होता है आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। नो डाउट आंवला पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। सो यहाँ पे आंवला पाउडर जब आप यूज़ करते हो किसी भी हेयर डाई में, किसी भी तरीके से आप यूज़ करते हो, तो आपको अल्टीमेटली आपके हेयर जो, तो चलिए देख लेते हैं कि हेयर डाई किस तरह से बनानी है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स कोई भी हेयर डाई आप लगाते हो, आपके बाल धुले हुए होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, स्कैल्प आपके ड्राई होने चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई भी ऑयल या सीबम प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तभी आपके जो हेयर कलर्स हैं वो काम करते हैं। सो उसको बनाने के लिए आपने एक बाउल लेना है, बाउल में आपने 2 से 3 चम्मच के जितना आंवला पाउडर डालना है, उसके बाद आपने डालना है एलोवेरा जेल। सो यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है मैंने रेडीमेड लिया है, आप यहाँ पे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें मेथी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नाउ ये जो है ये आपके प्री मैच्योर ग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ सफ़ेद बालों को ये जड़ से ख़त्म करता है और आपके आगे रफ्तार को कम करता है, आपके सफ़ेद बालों की रफ्तार को कम करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने ड्राई स्कैल्प पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपने इसको कम से कम 30 मिनट और मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रखना है, और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है, शैम्पू नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स वॉश करने के बाद आप लिविन कंडीशनर यूज़ करिएगा, हेयर सीरम यूज़ करिएगा, और इस पैक को आप वीकली वंस यूज़ कर सकते हैं, बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। एंड देन इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।